नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में झांसी नगर निगम का सबसे प्रतिष्ठित वार्ड गोंदू कंपाउंड की चुनावी जंग चर्चाओं में है। इस वार्ड से नगर के चीफ वार्डन बालकिशन कुशवाहा के चुनावी मैदान में उतरने से सब लोगों की निगाहें गोंदू कंपाउंड की ओर टिक गई हैं। उल्लेखनीय है कि गोंदू कंपाउंड सिविल लाइन दक्षिणी वार्ड नंबर 49 में पिछली 5 बार से निवर्तमान सामान्य सीट होने की वजह से चुनाव जीतती रही हैं। हालांकि इस दौरान कई प्रत्याशियों ने उन्हें चुनाव में चुनौती दी पर जीत के समीकरण नहीं बन पाए, लेकिन इस बार यहां के निवासी बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से पार्षद का एक छत्र राज होने की वजह से लोगों के प्रति उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। वहीं महानगर झांसी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के बाद भी यहां अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, जिसकी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। लोगों का आरोप है कि बीते वर्षों में पार्षद प्रतिनिधि द्वारा जनता की उपेक्षा की गई है। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया लाइट है, पानी है, सफाई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये है कि थोड़ा घमंड और अहंकार जे कुछ ज़्यादा हो गया। मेरा नाम बालकिशन कुशवाहा, मैं वार्ड नंबर 49 से, मैं जो हूँ ये 5 बार पार्षद बन चुके हैं और उसके बनने के बाद सभी लोगों ने मेरे को खड़ा करने के लिए उम्मीदवार बनाया है कि आप 49 वार्ड से आप खड़े हों भाई साहब, क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इनमें काम तो हो रहा है मगर जो चीज़ इनमें भरी हो मंग तानाशाही जैसी और एस टाइप की वो ख़त्म करना है। तो जो भी गरीब जाता है उसको मतलब अच्छा नहीं समझ पा रहे, पढ़े लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ की, इसलिए इनको जो है नेगलेक्ट कर रही है जनता। मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता नेगलेक्ट कर रही है, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी चुना है और यही लोग मेरे को लड़ा रहे हैं। और बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर 5 बार जो बने हैं, बनने के साथ साथ इन्होंने जो किया है ठीक है, मानता हूँ चीज़ को कि हाँ, मगर इनमें जो चीज़ है अहंकार भर गई है, उस चीज़ ख़त्म करना चाह रही जनता यहाँ की, इसलिए मेरे को ये चुना है कि आप 49 बार से लड़ें और बदलाव इसको लाएँ। आप ही बदलाव ला सकते हैं और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा हो पाता है, ये उनकी बड़ी वो है। जनता अपील ये कर रही है कि आप काम करेंगे और मैं काम करने की क्षमता रखा हूँ, मैं सेवा करना चाहता बस। मैं जनता से ये कहूँगा भाई देखो, आपको बदलाव लाना है और बदलाव लाए आप ही मेहनत करेंगे तभी बदलाव आएगा। मैं तो खड़ा हूँ और बदलाव लाना है तो लाना है। इनमें इस तरह की वो भर गई है कि कोई भी प्रत्याशी अगर आता है तो कहीं ना कहीं से ये दबाव डाल करके उसको रुकवाते हैं और मतलब हर तरह की बात करते हैं, उल्टी सीधी बात करके हर तरह से मतलब ये करते हैं, इसलिए लोग डरते हैं कि हम नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि भैया ये दूसरी तरह का आदमी है, इसलिए ये हर मतलब उसमें परेशान है। मगर मैंने जो जनता ने मेरे को जो खड़ा किया है इसलिए कि आप ही को ही मतलब चुन के लाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है लायक नहीं है और आप इस चीज़ को आप काट सकते हैं, बस बदलाव आप ही ला सकते हैं, इसलिए मेरे को चुना गया है।